पंजाब में लॉकडाउन की स्थितियों के बीच पटियाला की पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद निहंग सिखों की जमात सुर्खियों में है। अक्सर सिखों के परंपरागत परिधान और हथियारों के साथ रहने वाले निहंग सिखों को उनके युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। निहंग शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ मगरमच्छ है। निहंग शब्द का अर्थ उन योद्धाओं से जुड़ता है जिन्हें कोई भी फौज उसकी फर्ज की लड़ाई में रोक ना सके। जानकार बताते हैं कि निहंग सिख आज भी आम जीवन से इतर सन्यासी जैसे जीवन शैली का पालन करते हैं और हमेशा परंपरागत हथियारों के साथ खालसा पंथ के प्रधानों में ही कहीं पर जाते हैं। निहंग सिखों को आम सिखों की अपेक्षा खालसा पंथ के लिए अधिक कट्टर माना जाता है। इसके अलावा इन्हें मानवता की रक्षा और गुरुओं की आज्ञा पालन करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाली जमात की संज्ञा दी जाती है। सिखों की इस जमात को उनके युद्ध कौशल, परंपरागत हथियार चलाने की कला और बेखौफ जज्बे के कारण ही निहंग योद्धाओं की संज्ञा दी जाती है। मानवता की रक्षा के लिए सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को जरूरी माना था और इसीलिए सिखों की एक विशेष परमात्म फौज भी तैयार की गई। बाद में सभी के लिए मीरी और पीरी दो विचार जरूरी माने गए। मीरी का अर्थ मार्शल आर्ट से था और पीरी का बौद्धिक शक्तियों से था। सच्चा निहंग उसे ही कहा जा सकता है जो कि मानवता के हित में बुरी शक्तियों से अंतिम सांस तक लड़ता रहे। निहंग सिख पंजाब के कई स्थानों पर अपने गुरुद्वारों का संचालन भी करते हैं। इन सिखों को मार्शल आर्ट्स और परंपरागत हथियार चलाने की इनकी कला के कारण भी जाना जाता है। हालांकि ये जरूर है कि रविवार को हुई घटना के बाद निहंग सिखों के ही कई बड़े सदस्यों ने हमलावरों से किसी भी प्रकार का संबंध ना होने की बात कही है। पंजाब के पटियाला में रविवार को पुलिस की टीम के साथ हुई झड़प के बाद निहंग सिखों का नाम चर्चा में आया है। हालांकि निहंग सिख के कुछ बड़े जत्थेदारों ने इस बात का दावा किया है कि पंजाब में जिन लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया है वो निहंग सिखों की जमात का हिस्सा नहीं थे। फिलहाल कोरोना की जंग में आप अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार की सहायता करें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करते रहें। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।